हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक आलिया भट्ट इंस्पायर्ड लुक को क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि आप लोगों को पसंद आए। ये देखिए, मैंने आपको टाइटल से ही पता चल जाएगा कि मैंने ये इंस्पायर्ड लुक को आलिया भट्ट जी के लिए किया है, उन्हीं से इंस्पायर होकर किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा तो देख लीजिए कैसा लगेगा, और मैं नहीं जानती कि कैसा लग रहा है आपको, और मैं इस तरह से तैयार हूँ, तो आप देख लीजिए फटाफट। तो फ्रेंड्स, मैं बिहार मूड कर आई हूँ, क्लीन कर आई हूँ अपने फेस को। मैं सबसे पहले बायोटिक कुकम्बर टोनर लगा लूँगी अपने पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। आप कॉटन से भी लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो। अब 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं अपनी क्रीम लगाऊंगी, ये है लोटस की, ये डे क्रीम है, मैं वही लगा रही हूँ। वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है ये, SPF 25 PA ट्रिपल प्लस है, जो मैंने इसका रिव्यू किया है ये वही है। तो मैं इसको ले लूँगी इतनी। अच्छे से अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये है लीची वाला साइनी, तो मैं इसको लगा लूँगी। इसका रिव्यू पड़ा हुआ है, इसका रिव्यू मुझे करना है। मैंने लगा लिया है लिप बाम। उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊँगी NYV का। और अपने फेस को प्राइम कर लूँगी। मैंने फाउंडेशन पहले निकाल लिया था, बीबी सीसी क्रीम का, बाद में उसको लगाऊंगी, भूल गई थी, ताकि मेरे पोर्स हाइड हो जाए अच्छे से। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर लीजिए। अब मैं सीसी क्रीम लगा रही हूँ, पॉन्ड्स की लैक में सीसी क्रीम लगा रही हूँ मैं। इसी से पूरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने वाली हूँ। इसे ही देखिएगा आप, कितना अच्छा मेरा लुक होगा। ये मैंने निकाल लिया था, तो मैं इसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी अपने पूरे फेस पर। कम ही लगाऊँगी, ज़्यादा आलिया भट्ट का जितना जो मेकअप है बिल्कुल ही हल्का मेकअप है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है उन्होंने, तो मैं भी उसी तरह से। अब इसको मैं ब्लेंड हाथ से ही कर लूंगी। इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये मेबलिन का सुपर फ्रेश फाउंडेशन पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, मैं इससे ही ब्रश से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूंगी। बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है ये। अब मैं आईब्रो फिल कर लूंगी। ये ADS की पेंसिल है, लिप आईब्रो पेंसिल, मैं इससे ही फिल कर लेती हूँ अपनी आईब्रोज। आलिया भट्ट के आईब्रोज बहुत ही ज्यादा मोटी है, मतलब अच्छी है, उनकी थिक आईब्रोज है, तो मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब इससे कंटूरिंग कर लूँगी, हल्की हल्की, ज़्यादा कंटूरिंग नहीं कर रखी है उन्होंने, बहुत ही सिंपल लुक रखा हुआ है, तो
तो मैं वही क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं इसमें से ये वाला शेड ले रही हूँ और इससे ही मैं कॉन्टोरिंग कर लूँगी। हल्की हल्की कॉन्टोरिंग करनी है मुझे, ज़्यादा नहीं करनी है। मैं उसको सही कर लूँगी अभी, पहले मैं लगा लूँ। मैं इसे ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आलिया भट्ट जी ने उसमें कुछ भी इस तरह का आई शेडो वगैरह नहीं अप्लाई किया है, लेकिन मैं फिर भी हल्का सा आई शेडो अप्लाई कर लेती हूँ अपनी आईज पर। और मैं लिप कलर ही यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा, बहुत ही हल्का, इससे ही अपनी आईज पर अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ मैं। मैंने आई शेडो लगा लिया है, हल्का ही लगाया है, पर इसमें पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डार्क दिख रहा है। बहुत ही हल्का सा लगाया है मैंने, बहुत ही हल्का लगा है, दिख नहीं रहा है ऐसे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, मैं नहीं जानती क्यों। और अब मैं काजल लगा रही हूँ, उन्होंने काजल लगाया है, पर हल्का हल्का काजल लगाया है अपनी आईज पर, और थोड़ा सा स्मज है, तो मैं वही करने वाली हूँ। हल्का हल्का सा स्मज कर लूँगी, इसे ही इसी से कर लूँगी। आधी आईज पर उन्होंने लगा रखा है काजल वाटर लाइन पर, तो मैं भी उतना ही लगाऊंगी। स्मज कर लिया, बस इसी तरह का उनका काजल है इसमें। और उन्होंने आईलाइनर नहीं लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आईलाइनर छोटा सा लगा लेती हूँ, हल्का सा, दिखेगा नहीं बट थोड़ा सा लगाऊंगी मैं। तो मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, ब्लू हेवन का आईलाइनर लगा रही हूँ मैं, ब्लू हेवन, यही लगाऊंगी मैं। सा लगाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आईलाइनर लगा लिया है, हल्का हल्का आईलाइनर लगाया है, और अब मैं ब्लू हेवन का मस्कारा लगा लूंगी। तो मैं इससे हाइलाइटर लगा लूँगी, ये ब्लू हेवन का है आई शेडो पैलेट है, ये शिमरी है, तो मैं इसी से ही लगा ले रही हूँ। मैं ब्लू के पास लगा लूँगी।
ब्लश नहीं लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन मैं हल्का सा ब्लश अभी लगा लूँगी। मैं इसको ट्राई करके देख रही थी कि इससे कैसा लगता है ये, बट ये ख़राब भी नहीं है, उतना तो बुरा नहीं है। बहुत ही हल्का हल्का लगा रही हूँ क्योंकि पहली बार मैं कोई इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही हूँ, इसलिए अभी ट्राई है, पहला है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझने में थोड़ी कमी हो रही है, देर लगती है मुझे। हल्का हल्का यहाँ पर लगा रही हूँ, मैं इसी आई शेडो पैलेट से ब्लश लगा लेती हूँ। ये ब्लश लगा ले रही हूँ, हल्का हल्का ब्लश लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाया ये बोलती हूँ, तो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मैं अब लिप कलर लगा लूंगी, मैंने लिप बाम लगाया था वो निकाल दूंगी। ये ब्लू हेवन का लिप कलर है, मैं वही लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है ये कलर, एलिगेंस है ये, बहुत ही बढ़िया सा कलर है रेड। फ्रेंड्स, ये है आलिया भट्ट का इंस्पायर्ड लुक कि ये मैंने क्रिएट किया है। आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कैसा लगा। तो गाइज, ये आप लोगों को कैसा लगा ये इंस्पायर्ड लुक आलिया भट्ट का, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत करके मैंने ये क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम किया है, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने बीटरूट का जो फेस पैक बनाया था वो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले एक और मैंने फेस पैक ट्राई किया था, वो भी बहुत ही अच्छा है, ग्लोइंग फेस पैक था वो भी बहुत ही बढ़िया है, आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं जितने भी फेस पैक वगैरह बताती हूँ वो ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये मेकअप लुक के लिए प्लीज़ एक लाइक करिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। चलिए फ्रेंड्स, बाय। अगर मेरा चैनल पे आप नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।